बात करना चाहूँगी। जैसा कि मैं डॉक्टर नीतू मल PhD इन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मुझे धनिया के बारे में बताना चाहिए। धनिया जो कि हर कोई अपने घर में उगा सकता है, ग्रोइंग कोरिएंडर एट होम विद सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल और साधारण मेथड से घर पर धनिया को कैसे उगाया जाए, आज का मेरा टॉपिक यही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मिट्टी जो कि मेन स्रोत होती है किसी भी पेड़ पौधे के लिए, तो मिट्टी आप मिट्टी लें। मिट्टी आपकी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी बिल्कुल भी ना लें, सूखी मिट्टी लें। सबसे पहले मिट्टी कैसे तैयार करें, उसके लिए पहले सूखी मिट्टी कहीं से भी लें, उसके उपरांत मिट्टी को पोषणों से परिपूर्ण करें, मीन्स उसमें पोषक तत्व कैसे आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मिट्टी में को उर्वरक बनाना होगा। उर्वरक के साथ मिट्टी कैसे तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर सॉइल विथ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नॉट फर्टिलाइजर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मिट्टी लें, सूखी मिट्टी लें। सूखी मिट्टी में आप सूखे पत्तों को डाल दें, सूखे पत्ते आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, आप गार्डन से ले लें, अगर आप मेट्रोपोलिस या सिटीज़ में रहते हैं या आसपास कहीं पेड़ पौधे हों तो वहाँ से सूखे पत्ते उठा सकते हैं आप। अगर नहीं मिल, और गाँव वालों के लिए तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं से भी सूखे पत्ते ले लेंगे, डाल किसी भी डाल से। अगर नीम के पत्ते मिलते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं। और उसी प्रकार से गोबर की खाद आपको कच्ची नहीं लेनी है, जो थोड़े काफ़ी दिनों की हो गई हो और थोड़ी सड़ सी गई हो, वैसे गोबर की खाद लेनी है। तो मिट्टी में आप गोबर, सबसे पहले मिट्टी डालें, मिट्टी के ऊपर आप गोबर की खाद डालें, सूखे पत्ते डालें, और सूखे पत्ते डालने के बाद उसमें अगर आपके पास, आप रोज़ाना सब्जियां तो लेते होंगे, सब्जियों के छिलके निकलते हैं, तो उन छिलकों को इकट्ठा करिए आप हफ्तों तक, जैसे कि लौकी के छिलके, आलू के छिलके, कोई भी छिलके। सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन्स होती है, मिनरल्स होते हैं, और चाय की पत्ती जो यूजुअली हर कोई फेंक देता है, चाहे वो ग्रीन टी की चाय की पत्ती हो या हमारे नॉर्मल चाय की पत्तियाँ, इन सब पत्तियों को आप एक जगह डाल के इकट्ठा करते जाइए, और इकट्ठा करने के बाद उसे किसी, मतलब आप बर्तन में ले लीजिए या फिर आपके पास पुरानी बाल्टियाँ हों, टब हों, किसी में भी इकट्ठा कर लीजिए। 8-10 दिन में काफ़ी अमाउंट हो जाएगा, और मिट्टी को उलट फेर करते रहिए, आप देखेंगे धीरे धीरे साया को सड़ जाएगा और एक अच्छा सा खाद बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसमें नमी बहुत ज़्यादा ना हो, अगर नमी होगी तो फंगस जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा, वाइट वाइट। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा धूप दिखा दें, इससे वो नमी नहीं रहेगी और खाद आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपकी उर्वरक मिट्टी तैयार हो गई, ये पूरी तरह से उर्वरक मिट्टी होगी और ऑर्गेनिक मिट्टी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इस समय हेल्थ इश्यूज सबसे बड़ा, ये जो टाइम चल रहा है हेल्थ इश्यूज के लिए है, तो हर कोई चाह रहा है कि हम शुद्ध चीज़ खाएं, पर शुद्ध मिलेगी कैसे, क्योंकि जो भी खेतों से आ रही हैं वहाँ पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ काफ़ी मात्रा में होता है। चूँकि मैं एक इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी में, तो इन सब चीज़ों का मुझे पूरी तरह से नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आते हैं आवश्यक तत्व बिजाई के लिए। अब जब बिजाई करनी है, सोइंग करनी है सीड की, तो क्या क्या आवश्यक होता है, तीन इम्पॉर्टेंट चीज़। पहला आपका सीड, पहला सोर्स क्या हो गया, सॉइल, मैंने बताया कैसे आपको बनाना है, ऑर्गेनिक सॉइल आपने बना लिया। सेकेंड नंबर पे आपका सीड आएगा, और थर्ड नंबर पे पानी। अब आप इस उर्वरक मिट्टी में अपनी बिजाई कर सकते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि कैसे सोइंग कर, स्प्रेडिंग, ऐसे सिंपली स्प्रेडिंग भी कर सकते हैं। और धनिया को मिट्टी और पानी, दो आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। नौ, धनिए को बोने की तैयारियाँ।
अब इसको क्या क्या तैयारी है, सबसे पहले साबुत धनिया लें और उसे किसी बेलन से तल लें ताकि वो दो भाग में विभाजित हो जाए। फिर उसे रात भर के लिए आधा जग पानी में अच्छे से भिगोकर छोड़ दें। आप चाहे तो पूरी धनिया भी बो सकते हैं या तो उसको स्प्लिट करके, मीन्स दो भाग में डिवाइड करके। मुझे तो लगता है कि आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करके ही बोना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जर्मिनेशन डिफरेंट होता है, रूट्स डिफरेंट होती हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, सिर्फ आपको क्या करना है, धनिया को ले और बेलन से या फिर पिस्टल मॉर्टल में पिस्टल आता है उसे क्रश करके, ताकि वो इजली डिवाइड हो जाए, दो भाग में अलग अलग हो जाए। उसके बाद कुछ तथ्य जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है धनिये के बारे में। अगले दिन जब आपका ये सारे प्रिपरेशंस हो चुके हैं, आपने धनिया भी ले लिया, आपके स्वाल भी प्रिपेयर है अच्छे से, ऑर्गेनिक स्वाल, धनिया को आपने भिगो लिया है, अगले दिन अब आपको बिजाई करनी है, तो इससे पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए। अगले दिन आप अब धनिये की बिजाई कर सकते हैं। धनिये के जमने की पूरी प्रक्रिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, धनिये की पूरी प्रक्रिया 21 दिन की होती है। ये प्रक्रिया 21 दिन किसकी, जर्मिनेशन की 21 दिन की होती है, मीन्स जमने की 21 दिन की होती है। लेकिन एक और दूसरा फैक्टर है, ये डिपेंड करता है कि आपका धनिया किस क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी अच्छे सीड कंपनी के धनिया को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने माइको, मॉन्सेंटो, वीएनआर या फिर सिंजेंटा, इन सब कंपनियों की जो भी वेजिटेबल सीड्स भेजती हैं उनके अच्छे धनिये को ले रहे हैं, तो उस पर जर्मिनेशन सीड परसेंटेज दिया होता है कि कितना परसेंट आपका सीड जर्मिनेट करेगा। और उस टाइप के सीड्स जो होते हैं वो मात्र 5 से 9 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको निरंतर उसकी नमी को देखते रहना है और उसको जर्मिनेशन को देखते रहना है। वस्तुतः या ऐसे मान ले तो मात्र 5 से 9 दिन के अंदर जमकर बाहर आ जाता है। अगर नहीं आया है तो पानी का छिड़काव करते रहें और नमी बनाकर रखें, अंततः 21 दिन के अंदर जमा हो जाएगा। लेकिन यदि आपको संदेह फिर भी है, अगर 9 से 12 दिन के अंदर आपका कुछ भी नहीं जर्मिनेट हो रहा है, तो आप थोड़ी सी सॉइल को चेक करें, सॉइल को अपने हाथ में, मतलब मिट्टी को अपने हाथ में लें और नमी चेक करें कि उसमें पानी कितना है, कहीं पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तब भी आपका धनिया सड़ सकता है। दूसरी बात, अगर सूखा हो रहा है, आपका स्वाद सूखा हो रहा है, तो आपको पानी का छिड़काव करते रहना है ताकि उसमें नमी बनी रहे। जैसे कि ये आप पॉट देख रहे हैं मेरा, ये एक डोलची थी जो मेरी ख़राब हो गई थी, इस डोलची का मैंने उपयोग किया और मेरा धनिया मैंने 30 तारीख को बोया था, 30 नवंबर को, और मुझे 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन लगे। मैंने किसी कंपनी का सीड नहीं लिया था, मैं नॉर्मल सीड ली थी अपने घर में, जो धनिया हम खाते हैं वही। लेकिन मैं इस बात के लिए आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आप किसी अच्छे कंपनी का देख करके ले रहे हैं तो वो धनिया 5 से 7 दिन में आराम से जम सकता है। ऐसे तो क्या होता है कि 5, 7, 9, 12, 15 और 21, ये पूरी प्रक्रिया होती है जर्मिनेशन जानने के लिए कि कितने कितने दिन बाद, ये डिपेंड करता है धनिये के विगर की। तो ये सारी बातें आपको मैं बता दी, आपको तो पता ही है ये एक बहुत ही साधारण विधि है जिसे आप धनिया कहीं पर भी, अपने घर पर, अपने टेरेस पर, अपनी बालकनी में या अपने खेत पर आसानी से उगा सकते हैं, और इस तरह से आप ऑर्गेनिक धनिया तैयार कर इसका जायका बहुत ही स्वादिष्ट होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि धनिया तो बहुत सस्ता मिल जाता है, 10 रुपये में एक गड्डी, लेकिन उस एक गड्डी से कहीं बेहतरीन होगा आपका ये धनिया जो आप अपनी ताजे ताजे अपने गार्डन से या अपनी बालकनी से लेकर के आएंगे और यूज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।